हेलो गाइस, वेलकम बैक टू त्रिदेव इन्वेस्टमेंट लैब। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अगर आप शेयर को कंफर्म बाई नहीं कर पा रहे, तो गाइस मैंने कुछ वीडियोज से कुछ शेयर्स के बारे में आपके साथ डिस्कस किया है, जिससे कि आप उस शेयर्स को कंफर्म बाई कर सकते हैं और अच्छे प्रॉफिट बना सकते हैं। तो गाइस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आपको हमारे चैनल पे आते हैं फ्रेंड्स, आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में आते हैं फ्रेंड्स, आपको वीडियोज मिल जाएंगे। आप यहाँ से उस वीडियो को कंफर्म करके, आप शेयर को कंफर्म करके, आप शेयर को बाय कर अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ HDFC बैंक के शेयर के बारे में। गाइस इस वीडियो में मैं इसके शेयर के बारे में कंफर्मेशन करूंगा कि इस शेयर को हम बाय कर सकते हैं या नहीं। अगर भूल गए तो मैं फिर से याद दिला दूं, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गाइस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो गाइस इस वीडियो में मैं आपके साथ ये 6 पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ फ्रेंड्स। नंबर फर्स्ट में फ्रेंड्स, मैं इसका इंडस्ट्री प्राइस अर्निंग रेशियो और फिर HDFC का प्राइस अर्निंग रेशियो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। नंबर सेकंड में फ्रेंड्स, मैं HDFC बैंक का जो शेयर परफॉर्मेंस रहा है, 1 वीक का, 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का और 1 ईयर का टोटल जो परफॉर्मेंस रहा है, मैं वो भी आपके साथ क्लियर करूंगा। नंबर थर्ड में फ्रेंड्स, मैं क्लियर करूंगा कि इसका जो फाइनेंशियल नेट इनकम रहा है क्वार्टरली का, 2020 का, इसका नेट इनकम क्या रहा है, मैं भी क्लियर करूंगा आपके साथ। नंबर फोर में देखते हैं तो नंबर फोर में फ्रेंड्स, मैं आपके साथ इसका शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स के पास, FIA के पास, DIA के पास और टोटल पब्लिक के पास कितने परसेंट का शेयर होल्डिंग है, इसमें ये भी क्लियर करेंगे। नंबर फाइव में फ्रेंड्स, हम देखेंगे इसका जो टारगेट है कि अगर ये फ्रेंड्स अप ट्रेंड में चल रहा है, फ्रेंड्स अगर ये बुलिश ट्रेंड बना रहा है, तो इसका टारगेट क्या हो सकता है, ये कहाँ तक फ्रेंड्स जा सकता है। और फ्रेंड्स इसका सपोर्ट देखें कि अगर ये जो बेयरिश ट्रेंड बना रहा है, अगर ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो फ्रेंड्स इसका सपोर्ट क्या हो सकता है, कहाँ के बाद ये वापस बुलिश ट्रेंड बना सकता है। नंबर सिक्स में फ्रेंड्स, देखेंगे इसका RSI और MACD। फ्रेंड्स मैं इसमें आपको रियल चार्ट पे RSI और MACD लगा कर क्लियर करूंगा कि ये जो शेयर है, हमें ये जो RSI इंडिकेटर जो है और MACD इंडिकेटर है, हमें बाई का सिग्नल दे रहा है या फिर सेल का सिग्नल दे रहा है। और इससे भी क्लियर करेंगे ये जो शेयर है अप ट्रेंड में चल रहा है या फिलहाल अभी अप ट्रेंड में चल रहा है या फिर डाउन ट्रेंड में चल रहा है। इसके प्राइस अर्निंग देखते हैं तो देखिए फ्रेंड्स, इसका इंडस्ट्री प्राइस अर्निंग है 34.70%। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसका प्राइस अर्निंग है 34.70 और फ्रेंड्स ये जो HDFC बैंक का जो प्राइस अर्निंग है 25.86 है फ्रेंड्स, इसका प्राइस अर्निंग HDFC बैंक का। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये जो इंडस्ट्री के प्राइस अर्निंग से HDFC का जो बैंक का प्राइस है वो अभी डाउन में है। फ्रेंड्स आपको ये सस्ते में मिल रहा है, इसके जो शेयर है HDFC बैंक का जो शेयर का प्राइस है वो आपको डाउन है फ्रेंड्स, इंडस्ट्री प्राइस है। तो आपको फ्रेंड्स इंडस्ट्री प्राइस है सस्ते में इस शेयर आपको मिल रहा है। तो फ्रेंड्स आप शेयर को जल्दी से बाय कर सकते हैं और अपना प्रॉफिट बना सकते हैं, आपको ये कम प्राइस में मिल रहा है। फ्रेंड्स आप अगर इसका डिविडेंड की बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, ये डिविडेंड हमें बहुत कम देता है, 0.818% फ्रेंड्स है, ये अभी अच्छा खासा डिविडेंड है। अगर बात करें इसके परफॉर्मेंस की तो देखिए फ्रेंड्स, 1 वीक में इसका परफॉर्मेंस -2.77% है। तो फ्रेंड्स ये 1 वीक में इसने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया, लेकिन फ्रेंड्स 1 मंथ में देखा तो 1 मंथ में फ्रेंड्स इसने भी -9.9 यानी कि 10% तक का फ्रेंड्स इसने माइनस में फ्रेंड्स इसने चल रहा है, परफॉर्मेंस इसका रहा है। फ्रेंड्स अगर 3 मंथ में बात करें तो 3 मंथ में इसने -2.19, तो फ्रेंड्स 1 मंथ के अपेक्षा इसने 3 मंथ में काफी अच्छा किया है और -2.19% से ये फ्रेंड्स थोड़ा डाउन में है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेंड्स अगर 6 मंथ की बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, 6 मंथ में भी इसने अच्छे परफॉर्म दिया है। फ्रेंड्स 3 मंथ के और 1 मंथ के भी अपेक्षा इसने 6 मंथ में काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, 13.52% तक का फ्रेंड्स परफॉर्मेंस किया है इसने। तो फ्रेंड्स अगर आपने इस 6 महीने के लिए, अगर लॉन्ग टर्म के लिए, अगर 6 महीने के लिए अगर इसमें आपने इन्वेस्ट किया होगा 1 लाख रुपया, तो फ्रेंड्स आपको 6 महीने के बाद आपको 1,13,000 तक का फ्रेंड्स आपको परफॉर्म प्रॉफिट हुआ होगा। फ्रेंड्स तो ये फ्रेंड्स काफी अच्छा परफॉर्मेंस है, आप इस शेयर को आप समझ सकते हैं। अगर 1 ईयर की बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, 1 ईयर में इसने 56.40% तक का अच्छा परफॉर्मेंस इसने दिया फ्रेंड्स 1 ईयर में। तो फ्रेंड्स आप 6 मंथ के, 6 मंथ के बात करें फ्रेंड्स, 1 ईयर का अगर आप ऐड करते हैं तो फ्रेंड्स दुगने से भी इसने ज्यादा 1 ईयर में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। फ्रेंड्स अगर आप इसमें अगर 1 ईयर के लिए अगर इसमें आप इन्वेस्ट किए होंगे तो फ्रेंड्स आपको 1 ईयर के बाद आपको ये 1,56,000 तक का आपको प्रॉफिट फ्रेंड्स परफॉर्मेंस ये दिया होगा। गाइस अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर शेयर को बाय करना चाहते हैं तो आप इस शेयर को बाय कर सकते हैं, आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। गाइस अगर इसका फाइनेंशियल नेट इनकम की बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, HDFC बैंक का फाइनेंशियल का नेट इनकम आपको दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स मैं, ये फ्रेंड्स आपको अटर्ली का देख सकते हैं चार्ट लगाया है मैंने, और ये इसका नेट इनकम फ्रेंड्स आप देखिए, Q4 2019 का नेट इनकम आप देख सकते हैं 72 बिलियन फ्रेंड्स। तो काफी अच्छा फ्रेंड्स ये इसका नेट इनकम रहा है Q4 2019 का। अगर Q1 2020 का देखा तो फ्रेंड्स अगर ये इसने 69.27 फ्रेंड्स बिलियन, तो 69 बिलियन तो फ्रेंड्स थोड़ा कम है, लेकिन फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं, इसने नेट इनकम काफी अच्छा, 69 बिलियन भी फ्रेंड्स कोई कम नहीं होता।
तो फ्रेंड्स अगर क्यू टू 2020 का बात करें तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 77 बिलियन फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये इसने करीब करीब 7% तक का फ्रेंड्स 7 बिलियन तक का इसने Q1 से Q2 में इंक्रीज किया है अपने नेट इनकम को। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे Q3 की बात करें तो देखिए फ्रेंड्स Q3 2020 का फ्रेंड्स ये 87 बिलियन। तो फ्रेंड्स करीब करीब 10 बिलियन तक का फ्रेंड्स इसने Q2 से Q3 में इसने इंक्रीज किया है। तो फ्रेंड्स काफी अच्छा इंक्रीज है Q1 से Q2 में और Q2 से Q3 में। फ्रेंड्स अब इसका ग्राफ भी देख सकते हैं Q1 का ग्राफ फ्रेंड्स आप Q3 का ग्राफ Q2 का ग्राफ फ्रेंड्स और ये Q3 का ग्राफ आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स Q1 से Q2 में फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसका ग्राफ इसने थोड़ा ही इंक्रीज किया लेकिन फ्रेंड्स इसने इंक्रीज किया है। और Q2 से Q3 की बात करें तो देखिए फ्रेंड्स Q2 से Q3 में भी इसने अपने ग्राफ को इंक्रीज किया है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो देखिए फ्रेंड्स ये शेयर होल्डिंग का और ये समरी है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं अभी जो प्रमोटर्स के पास शेयर है सिर्फ दिसंबर 2020 का तो फ्रेंड्स 26% तक आया है। तो फ्रेंड्स अगर मार्च 2021 का देखा तो फ्रेंड्स अभी ये 26 वही मान सकते हैं फ्रेंड्स थोड़ा कम है लेकिन फ्रेंड्स 26% तक का ही ये शेयर होल्डिंग अभी भी प्रमोटर्स के पास मार्च 2020 का है फ्रेंड्स अभी है इसमें। और अगर FIA की बात करें तो फ्रेंड्स FIA में देख सकते हैं दिसंबर 2020 में 39% तक का शेयर होल्डिंग और परसेंट अभी फ्रेंड्स मार्च 2021 में देख सकते हैं फ्रेंड्स 39 पॉइंट। तो फ्रेंड्स थोड़ा इसने बढ़ाया है पॉइंट में ही थोड़ा बढ़ाया है लेकिन फ्रेंड्स इसने शेयर होल्डिंग को बढ़ाते हुए अभी 39% तक का फ्रेंड्स शेयर होल्डिंग अभी मार्च में अभी FIA के पास अभी है फ्रेंड्स। अगर DIA की बात करें तो देखिए DIA में दिसंबर 2020 में 21% तक का शेयर होल्डिंग फ्रेंड्स और मार्च में भी 21%। तो फ्रेंड्स इसने पॉइंट से भी थोड़ा सा कम है तो फ्रेंड्स थोड़ा सा घटाया इसने अपने शेयर को फिर भी अभी ये DIA के पास भी अभी 21% तक का शेयर होल्डिंग है। अगर पब्लिक की बात करें तो देखिए फ्रेंड्स पब्लिक के पास 12 यानी कि 13% तक का शेयर होल्डिंग था फ्रेंड्स और फ्रेंड्स अभी भी जो है मार्च में 2021 का 13% ही शेयर होल्डिंग है। तो फ्रेंड्स 12.95 तो फ्रेंड्स अभी टोटली 13 थोड़ा सा फ्रेंड्स इसने इंक्रीज किया है अपने शेयर होल्डिंग को। तो पब्लिक के पास भी अभी फ्रेंड्स टोटली अभी 13% तक का शेयर होल्डिंग है। अगर समरी की बात करें देखिए फ्रेंड्स समरी में अभी देखिए आप प्रमोटर्स के पास 26% तक का शेयर होल्डिंग, FIA के पास 39% तक का शेयर होल्डिंग और DIA के पास 21% तक का शेयर होल्डिंग और अभी ये जो पब्लिक के पास है ये 13% तक का शेयर होल्डिंग है। तो फ्रेंड्स ये लोग जब इतने बिलीव करने के साथ साथ करके इस शेयर को रखा है तो फ्रेंड्स आप भी अपने इस शेयर पे बिलीव कर सकते हैं, इस कंपनी पे बिलीव कर सकते हैं फ्रेंड्स और आप भी अपने शेयर्स को कुछ शेयर्स को बाय करने के साथ कुछ समय के लिए होल्ड कर अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने 1 डे के कैंडल के साथ HDFC का बैंक का जो चार्ट लगा रखा है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं यहाँ जो कैंडल बना है फ्रेंड्स अभी इसका टारगेट फ्रेंड्स ये फर्स्ट टारगेट जो है 1357 का तो फ्रेंड्स इसने टच किया है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये जो शेयर है अभी ये 2.44% से फ्रेंड्स बुलिश में है, इंक्रीज में है फ्रेंड्स, इसने इंक्रीज किया। लेकिन फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ जो कैंडल बन रहा है वो रेड कैंडल बन रहा है फ्रेंड्स। तो हम फ्रेंड्स ये कैंडल को चेंज करेंगे, हेक्केन ऐसी कैंडल लगा हुआ है फ्रेंड्स, हम इसको कैंडल को चेंज करते हुए नॉर्मल कैंडल लगाएंगे। नॉर्मल कैंडल में देखते हैं फ्रेंड्स इसने क्या कैंडल बनाया है। तो देखिए फ्रेंड्स नॉर्मल कैंडल जो इसने बनाया है लास्ट कैंडल वो ग्रीन कैंडल बनाया है और ये 2.44% से फ्रेंड्स अप में चल रहा है, बुलिश चल रहा है। तो फ्रेंड्स इसने लास्ट कैंडल को इंक्रीज किया है और इसने बुलिश बनाया है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसने सपोर्ट को अपना जो फर्स्ट सपोर्ट इसने टच करके वापस इसने ट्रेंड को रिवर्सल करते हुए बुलिश कैंडल बनाया है। तो फ्रेंड्स आप इस शेयर को आप देख सकते हैं इसका टारगेट क्या क्या हो सकता है। फर्स्ट टारगेट फ्रेंड्स आप हो सकता है इसका 1433 का और सेकंड टारगेट फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसका सेकंड टारगेट हो सकता है 1493 का और थर्ड टारगेट और फोर्थ फिफ्थ आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इसका टारगेट कहां तक जा सकता है। तो इसका लास्ट टारगेट फ्रेंड्स अभी देख सकते हैं आप 1628 का है। फ्रेंड्स यहां से डाउन करता है बाय चांस अगर तो फ्रेंड्स इसका सेकंड सपोर्ट हो सकता है 1184 का और फ्रेंड्स आगे भी इसका सपोर्ट है फ्रेंड्स आप देख सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स अभी फिलहाल इसने फर्स्ट सपोर्ट से ही इसने ट्रेंड को रिवर्सल करते हुए बुलिश ट्रेंड बना लिया है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली बुलिश ट्रेंड आपको नजर आ रहा है, बुलिश कैंडल आपको नजर आ रहा है फ्रेंड्स और इसने अभी 2.44% से अप बनाया है और अच्छे खासे बुलिश ट्रेंड बना करके फ्रेंड्स अपने टारगेट को अचीव कर सकता है। गाइज अगर बात करते हैं RSI की तो देखिए फ्रेंड्स मैंने RSI लगा रखा है और फ्रेंड्स ये ग्राफ लगा हुआ है RSI का और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स RSI जो है अभी हमें बाय का सिग्नल भी दे दिया है फ्रेंड्स। इसने लास्ट सेल का जो सिग्नल हमें यहाँ पे दिया था फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट इसने सेल का सिग्नल दिया था और फ्रेंड्स अभी जो है RSI हमें बाय करने का सिग्नल दे रहा है और फ्रेंड्स इसने कन्फर्म क्लियर भी किया है कि आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप कन्फर्मेशन चाहते हैं RSI का तो थोड़ा वेट करें 20 to 25 का और फ्रेंड्स कन्फर्मेशन मिलते हैं यहाँ पे RSI को कन्फर्मेशन मिलते हैं आप शेयर को बाय कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये क्लियर इंडिकेट कर रहा है बाय करने का, अगर यहाँ पे भी अगर आप बाय करना चाहते हो तो फ्रेंड्स आप बाय कर सकते हैं। अगर बात करें MACD की तो देखिए फ्रेंड्स मैंने MACD लगा रखा है और ये फ्रेंड्स MACD का ग्राफ है
तो MSCD जो फ्रेंड्स अभी इसने हमें यहाँ पे सिग्नल देने वाला था, लेकिन फ्रेंड्स वापस इसने ट्रेंड रिवर्सल करते हुए फ्रेंड्स हमें सेल का ही सिग्नल दे रहा है। तो फ्रेंड्स MSCD जो है अभी हमें क्लियरली सेल का सिग्नल दे रहा है, इसने हमें बाय का सिग्नल नहीं दिया है। अब देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे जो है इसने बुलिश ट्रेंड बनाया है, बुलिश कैंडल बनाया है, फिर भी हमें MSCD अभी बाय का सिग्नल नहीं दे रहा। तो फ्रेंड्स MSCD आपको पता है कि लेट सिग्नल देता है, इसकी वजह से हम इसको 4 आवर में लगा चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने इसको 4 आवर में कन्वर्ट किया, तो देखिए फ्रेंड्स 4 आवर में जो है यहाँ पे इसने हमें सेल का सिग्नल दिया था, और फ्रेंड्स अभी भी ये जो है सेल का सिग्नल दे रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, देखकर कह सकते हैं कि जो MSCD है हमें थोड़े ही समय के बाद आप ये हमें बाय का सिग्नल दे सकता है। तो फ्रेंड्स अगर आप ये जैसे अगर आप MSCD का अगर कन्फर्मेशन चाहते हैं तो थोड़ा वेट कर सकते हैं, थोड़ा वेट करते हैं फ्रेंड्स आप कन्फर्मेशन, जैसे ही अगर MSCD आपको देता है क्लियर सिग्नल देता है तो आप सिग्नल पाते ही आप शेयर को बाय कर सकते हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इसने कैंडल्स भी जो बनाया है, आप 4 आवर में फ्रेंड्स इसने कैंडल जो टू टू कैंडल्स बनाए हैं बुलिश कैंडल्स। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स अगर कैंडल एसटिक का बात करें तो कैंडल एसटिक आपको क्लियर इंडिकेट कर रहा है फ्रेंड्स। लेकिन अगर MSCD का कन्फर्मेशन चाहते हैं तो इसका अगर सिग्नल चाहते हैं तो फ्रेंड्स थोड़ा वेट करें, और सिग्नल मिलते ही फ्रेंड्स आप इस शेयर को बाय कर सकते हैं। तो गाइज आपको लॉस ना हो इसलिए मैं इतनी मेहनत करके सब फ्रेंड्स आपके लिए वीडियो लाता हूँ। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक तो बनता है, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि फ्रेंड्स हमारा लगातार जो लगातार वीडियो आ रहे हैं वो आपको मिलते रहेंगे। सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।